हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे स्टडी चैनल पे। आज हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन का ये पार्ट है, बट इसको थोड़ा अलग वे से एक नया मेथड सीखने वाले हैं, जिसको आप बोलते हो क्रेमर्स रूल। क्रेमर वाज अ साइंटिस्ट जो सजेस्टेड या फिर गिवन दिस रूल, सो उसी के नाम पे ये रूल है क्रेमर्स रूल। यहाँ पर भी आप देखोगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 के जैसा सेम आपको क्या मिला है, दो इक्वेशन है। अभी ये दो इक्वेशन है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और प्रैक्टिस सेट 1.2 में आपने ग्राफिकली सॉल्व किया, वो भी आप उसके जैसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली वो मेथड नहीं यूज कर हम क्या यूज करने वाले, क्रेमर्स रूल। सो हाउ टू स्टार्ट द सब क्रेमर्स रूल में सबसे पहला सबसे मेन चीज है दिस टू पार्ट, दैट इज ये दो लाइन आपको मेन है, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट। So, सबसे पहले ये जो फॉर्म है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। सो हाउ टू राइट दैट, प्लीज लुक हियर, डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट है तो इसके आगे आपका क्या आएगा, लाइन आएगा। अभी ये लाइन में आपको क्या करने है, कुछ टर्म्स लिखने। टर्म्स में क्या आएगा आपका, ए बी ए बी, ए वन बी वन, ए टू बी टू। फर्स्ट सम है इसलिए मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूं। अभी इसको अब अगर आगे आप लिखते हो तो यहां से ये आपका ए वन हो जाएगा, ये आपका बी वन हो जाएगा, ये आपका सी वन हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूं ए वन, इसको लिखता हूं बी वन, इसको लिखता हूं सी वन। अभी ए वन इधर है, बी वन इधर है, तो मैं ये पूरे टर्म्स को यहां पर लिखूंगा। थ्री यहां पर साइन किया प्लस, तो प्लस थ्री, ये माइनस फोर। नेक्स्ट नीचे जाओगे तो प्लस फोर प्लस थ्री, इतना समझा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री थ्री जा, फिर बीच में माइनस का साइन, ये हम लोग ने शुरुआत में किया था, फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर, तो व्हाट इट विल गिव मी, नाइन माइनस माइनस प्लस, फोर फोर जा सिक्सटीन, तो दैट विल गिव मी 25। सो डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, इज 25। अभी डी आपने ऐसे सॉल्व किया, अभी इसके बाद हमको दो स्टेप और करना है, फिर हमारा क्रेमर्स रूल हो जाएगा। डी के बाद हमको क्या फाइंड करना है, डी एक्स। जब मैं डी एक्स बोलता हूं तो मुझे क्या करना है, एक्स के टर्म्स को हटाना है, एक्स के टर्म को क्या करना है, डिलीट करना है। अभी एक्स का टर्म, एक्स के साथ कौन सा पार्ट है, ए वाला पार्ट है, तो मतलब मेरे को यहां से ए वाला पार्ट हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, बी वन और बी टू लिखूंगा। तो बचे हुए ए वन और ए टू की जगह क्या लिखूंगा, तो यहां पर अगर आप देखो तो तीन टर्म है, एक दो तीन, तो जब आपने ए वन वाला पार्ट हटा तो आप क्या लिखोगे, सी वन वाला पार्ट, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, सी वन एंड सी टू। समझ रहे आपको, ए वन एक्स के लिए एक्स का टर्म हटा दिया, एक्स का कोएफिशिएंट क्या था, ए, तो जब भी आप एक्स लिखते हो तो वो कोएफिशिएंट आपको हटा देना, और वहां पर आपको क्या लिखना है, जो आपका ए हटाने के बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट बचेगा दैट इज सी वन, तो सी वन और सी टू आपने लिखा। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सी वन का वैल्यू कितना है 10, और ये आपका ये आप ए टू B2 और C2 ले लो, कंफ्यूज नहीं होने का। C1 का वैल्यू कितना है 10, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 10। नेक्स्ट B1 का वैल्यू कितना है, माइनस फोर। C2 का वैल्यू कितना है, फाइव, और B2 का वैल्यू कितना है, प्लस थ्री। साइन पे भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा मिक्सअप वो देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और फिर आपका एक मिस्टेक, अगर आपने यहां पर हल्का सा भी मिस्टेक किया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है, दैट द सम गिव्स यू थ्री मार्क्स, तो थ्री मार्क्स टोटल जा सकता है। सो हाउ टू सॉल्व नेक्स्ट, इसको भी आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये टर्म करेंगे फिर ये टर्म करेंगे, पहले ये टर्म, तो क्या होगा 10 इंटू थ्री, फिर नेगेटिव तो हमेशा आएगा, फिर 5 इंटू माइनस फोर, इसको हम डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 10 थ्री जा 30, माइनस माइनस प्लस, 5 फोर जा 20, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50, तो मेरा dx का वैल्यू कितना हो गया 50। अब जैसा मैंने dx के लिए किया, अब वैसे मैं किसके लिए करूंगा, dy के लिए करूंगा। सो dy के लिए मेरा कॉलम क्या बनेगा, मेरे को अभी dy लेना, तो dy का कोएफिशिएंट क्या है, d1 एंड b2 है, तो मेरे को y का कोएफिशिएंट हटाना, मतलब मेरा ये x का कोएफिशिएंट क्या था, a1 a2 ऐसे ही रहेगा। अभी b1 और b2 की जगह पे मेरा क्या आएगा, ऑब्वियस है c1 एंड C2। तो आपको पहले क्या करना है, पहले A1 A2 हटाना है, वहां पर C1 C2 आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में B1 B2 हटाना है, वहां पर C1 C2 आएगा।
सो नेक्स्ट व्हाट इज ए वन का वैल्यू कितना है? ए वन का वैल्यू कितना है? 3। ए टू का वैल्यू कितना है? 4। फिर सी वन का वैल्यू कितना है? 10। और इसका वैल्यू कितना है? 5। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 3 × 5 करना पड़ेगा, फिर माइनस आएगा, फिर आप 10 × 4 को मल्टीप्लाई करोगे। 5 × 3 = कितना होता है? 15। −10 = 40। अब माइनस करोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? ऑब्वियसली −25। तो मेरा dy का वैल्यू कितना हो गया? −25। अब आपको लग रहा है हाँ सम हो गया, लेकिन नहीं, आपको किसका वैल्यू चाहिए था? x एंड y का वैल्यू। तो x के वैल्यू के लिए अभी आप क्या करोगे, देखो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। अभी dx का वैल्यू आपके पास क्या है? 50। तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50/25, दैट विल गिव यू 2। सो x इज इक्वल टू 2। अब y के लिए आप क्या करोगे? एलिमिनेशन वाले मेथड में क्या करते थे? वी यूज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू विच वी गेट एट द एंड। x का वैल्यू मिलता था तो इसको उठा के दो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे। आप वो सम मेथड कर सकते हो, बट ये स्टेप में अगर आप वो मेथड करते हो तो आपको रॉन्ग दिया जाएगा। वाई? बिकॉज y को फाइंड करने का यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy का वैल्यू कितना है? −25/25, विच विल गिव यू −1। Therefore, y इज इक्वल टू −1। सो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्रेमर्स रूल इजी था कि एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक द स्क्रीनशॉट।